गुडनी बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। ओके, लास्ट टाइम इंक्लूडिंग मैथमेटिकल मेथड्स, राइट? एंड आई जस्ट स्टार्टेड, व्हाट आर स्केलर्स एंड व्हाट आर वेक्टर्स? We have seen scalars are those quantities, those physical quantities which can be described only by magnitude, and vectors are those physical quantities which can be described by which two things, Bhargesh? Vectors mein kya do cheez chahiye? Bhargesh? Are Bhargesh? Bhargesh? वेक्टर्स के लिए क्या चाहिए? दो चीजें उसके पास, दो आइटम कौन से होने चाहिए वेक्टर्स के लिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज वेरी गुड आंसर। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं। उसके बाद में हमने देखा था हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली एंड सिम्बोलिकली, ऑलराइट? वो देने के बाद में अभी हम ऐसा टाइटल लिखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइटल लिखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। न्यूकमर्स आई थिंक उसना शेख, उसना आर यू देयर? यस सर। ओके एंड मुर्तजा बरवानी वाला ओह ही इज नॉट कम। ओके, तो आई चैप्टर जस्ट चालू किया है, तो अभी टाइटल लिखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। Types of vectors. All right, सबसे पहला लिखो उसमें यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, एनीबडी कैन टेल मी यूनिट मीन्स व्हाट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट? यूनिट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? यू नो, सिंगल को वो लोग यूनिट भी बोलते हैं। सिंगल को यूनिट यानी वन, यूनिट यानी वन। ऑलराइट, तो इसमें लिखो वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। राइट डाउन, अ वेक्टर हैविंग प्लीज गो ऑन राइटिंग ऑल ऑफ यू। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन, a vector having magnitude 1 is called a unit vector. It is represented by small letter with a cap above it, like A cap, B cap, C cap, I cap, J cap, ऐसा। Alright, like A cap, B cap, J cap, small letter होना चाहिए और cap बना चाहिए। अब vector में क्या होता है, vector A bar is this. This is not a unit vector. This can be any vector. Alright, but unit vector के time पे A small letter में cap बनाने का ऊपर और पढ़ने का A cap, B cap, C cap, ऐसे। All right. अब है ना, एक बात बताता हूं। Do you remember this length? ये suppose एक वेक्टर a bar है, तो length represents what? ये यहां से यहां तक length क्या represent करता है? You remember last time I told you this length अगर बड़ी होगी तो क्या बड़ा है? Length छोटी है। Arrow gives direction and length gives what? What does length of the vector give? Magnitude. Can be modulus of a bar or just a. Magnitude. Remember, अब एक छोटी सी बात समझो। If a bar is a vector of magnitude, you can write modulus of a bar or just a, and
a cap is a vector. A cap is a unit vector in the direction of a bar. अब मैं यूनिट वेक्टर बनाता हूं यहाँ पे. ये सपोज यहां से यहां तक है ए कैप है. एनीबडी कैन टेल मी ये लेंथ कितना है? एनीबडी कैन टेल मी ये लाल वाला लेंथ कितना होगा? व्हाट मस्ट बी दिस रेड लेंथ व्हिच आई हैव मार्क्ड? ये लेंथ कितना होगा? सर वन. वन, दैट्स राइट, इट्स अ यूनिट वेक्टर. Then ये बहुत important है. A cap is nothing but given vector to its magnitude or a bar upon a. ये पूरा लिख डालो, ये diagram बना के पूरा लिख डालो यहाँ से यहाँ तक, please. Is the ratio of, ये मैं आपसे पूछ के लिखूंगा. It's the ratio. यहां तक आने के बाद I will ask you what should I write further. Is the ratio of what should I write further? रेशियो ऑफ व्हाट टू व्हाट. यहां तक कॉपी किया, देखो मैं पढ़ता हूं वापस से. देखो, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1. इट इज रिप्रेजेंटेड इन स्मॉल लेटर विद अ कैप एस आर अबव इट. ए कैप, बी कैप, सी कैप, आई कैप, जे कैप. इफ ए बार इज अ वेक्टर, कैपिटल ए बार इज अ वेक्टर, ये यहां से आता है, ऑफ मैग्नीट्यूड है यानी लेंथ इज ए, एंड स्मॉल ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार. देखो स्मॉल ए का, देखो एरो दोनों का मैच हो रहा है. देन ए कैप इज नथिंग बट गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड और ए बार अपॉन ए. देखो यूनिट इज द रेशियो ऑफ व्हाट आई शुड राइट. यहां तक कितने लोगों ने कॉपी कर लिया? यहां तक कितने लोगों ने कॉपी कर लिया? डन सर. हुसैन दागिना, कॉपी किया आपने रेशियो ऑफ? यस सर. Yes, sir. Okay. Maj Sheikh. Yes, sir. Okay. Ratio of kya likho? Bachara batao. Ratio of kya likho main? Is ratio of what I should write further? Anyone who can say in your own words, ye likhna hai, ye upon ye, ye upon ye. Ratio of magnitude to direction? No. Ye magnitude upon magnitude hai. ये मैग्नीट्यूड है क्या? नो, रेशियो गिवन वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड. देखो ना, ऊपर वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड है. गिवन वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड. गिवन वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड. Given vector to its magnitude, or you can say a bar is a cap into a bar, or that is equal to a cap into a b bar equal to B cap into magnitude of B. मतलब given vector is the thing but product of unit vector in its direction cross multiply करो, देखो multiply by magnitude. Given vector equal to product of what? Unit vector in its direction multiplied by
the magnitude. If it does go, it's not. इतना मिटा दूं क्या? So I'm copying the last line. Okay. Okay, copy the last line. हो गया? Yes sir. Okay. इसके बाद में you write down. ओके तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे. अब आपने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो भी यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है. देखो आई कैप जे कैप के कैप छोटा आई ऊपर कैप बनाने का. आई कैप जे कैप के कैप आर द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स अलोंग X, Y, X, Z axis. ये लिख डालो. लिखो. I cap. Next time एक note लिख डालो. N O T E note. और लिखो. I cap, J cap, K cap. I cap, comma, J cap, comma, K cap. Are standard unit vectors. Along x, y, and z axis. I hope that's clear. देखो एक example मैं पता नहीं मेरा बंद कर रहा है देने का एक example. Suppose this is x axis. पहले x और y में समझ लो. दिस इज y एक्सिस. सपोज देयर इज अ बॉडी हियर. इस बॉडी के ऊपर 100 न्यूटन हमने x एक्सिस की ओर मारा. एट द सेम टाइम लेट्स से 200 न्यूटन अलोंग y एक्सिस की ओर मारा फोर्स. ऑलराइट, तो यहां पे टोटल फोर्स कितना होगा? मतलब f बार विल बी इक्वल टू 100 i कैप प्लस 200 j कैप. ऐसा I cap, this 100 is along x axis, this 200 is along y axis. In the link data. Force applied, force vector applied is 100 I bar plus 200 J bar. This will become clear, more clear when we go in detail of the chapter. I cap, J cap are. Acha, ek baat batao mereko, who will tell me this? What is mod of A bar? What is magnitude of A bar? A. What is magnitude of B bar? What is the magnitude of B bar? B. B. What is magnitude of I cap? I cap. Sir, I cap. One. Never I. Cap कभी भी आया, कोई भी cap होगा तो magnitude will be one. बहुत ध्यान रखना. कैप आया वर्ड ना तो अंदर मैग्नीट्यूड विल बिकम नॉट आई बट बी वन. नेवर फॉरगेट दिस. आई होप दैट्स क्लियर. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. ओके, इसके बाद में लिखो आफ्टर यूनिट वेक्टर राइट डाउन नल वेक्टर और जीरो वेक्टर. नंबर टू
null vector or zero vector? Anybody can tell me in his own this thing, what must be that? Anybody? Yes, that's right. A vector having zero magnitude is called a zero vector. Bas itna likh dalo. A vector having zero magnitude is called zero vector. We'll go equal vector. Equal vectors. देखो एग्जाम्पल देता हूं यहां पे देखो आपने मेरे से ड्रॉ भी कर लो ये ए बार उतना ही लेंथ तो बना रहे ये सपोज बी बार ये सपोज सी बार ये सपोज डी बार एक बार ध्यान दो ये लेंथ है ना सबकी सेम एग्जैक्टली सेम लेंथ तो व्हाट इज सेम अगर लेंथ सेम तो क्या सेम सो मैग्नीट्यूड Yeah, and can you see the arrow is also in the pointed in the same way? So then these vectors are called equal vectors. So what you will say equal vector? What are equal vector? So the vector having same magnitude, same direction, and same length. That is right. Length same length बोलने की जरूरत नहीं same magnitude बोला. Two or more vectors. सब लोग बोलेंगे कैसे मालूम है? Two or more vectors. Having same magnitude. Go on writing. And same direction are called equal vectors. Diagram zarur banana aap log. Are called equal vectors. Conan, are you there? Conan Qureshi? Yes, I am there. Okay, tell me, what are vectors? What is a vector quantity? A magnitude having unit 1 is called vector. Physical quantity which has magnitude as well as direction are called vector quantities. And a physical quantity which is only magnitude are called scalar quantities. Okay, equal vector ke baad likho. Negative vector. Fourth likho, negative vector. ओके मुझे क्या बताओ ये डायग्राम बना लो एक बार ये लेंथ सेम बनाना एग्जैक्टली सेम लेंथ खाली इधर एरो ऊपर इधर एरो नीचे इधर ए बार दैट इज माइनस ए बार ऊपर टेल मी व्हाट इज द नेगेटिव वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन ठीक है और भी एक चीज है सेम मैग्नीट्यूड दैट इज राइट A vector having same magnitude as that of a given vector but having opposite direction is called negative of the given vector. दोनों का magnitude सरका, लेकिन अगर खाली opposite क्या होगा? Direction. Direction. क्या बोलो क्या? What you say? Magnitude will be same. Opposite direction. That is right. So you can write a vector. Having the same magnitude as that of a vector having the same magnitude
as that of a given vector. As that of a given vector. As that of a given vector. But having opposite direction. But having opposite direction. Is called negative of the given vector. फिर लिखो इसके बाद में लिखो parallel vectors. इसके बाद में लिखो parallel vectors. नंबर पांच अनइक्वल लेंथ बनाना पर डायरेक्शन सबका सरका यस देखो एनीबडी कैन टेल मी अच्छा एक बात बता दो एक बात पहले बता दो एक बात टेल मी व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू ग्रीन लाइंस दोनों का एरो सरखा है दे आर सेम सेम एंगल सेम एंगल का आंसर सेम होता है क्या एंगल से 30 डिग्री 40 डिग्री व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस Sir, 90, sir. Okay. Sir, 90. Suppose the x-axis is. What is the angle between x-axis and x-axis? Equal x-axis. What is the angle between these two? Zero. Angle is zero, yaar. Or tell me, what is the angle between this and this? Suppose A, B. What is the angle between A and B? Ye to simple hai, oral answer hai. 90 degrees. ये कितना है? 90 degrees. And what about the angle between A and B like this? इसका angle कितना होगा? 180. तो इनके बीच में angle क्या लगता है? इनके बीच में angle क्या लगता है? ये सबके बीच में angle कितना है? Zero. अरे angle कितना है? A, B, C, D, zero. So what is the simple parallel vectors? Two or more vectors are said to be parallel if the angle between them is 0 degrees. Khatam. Write down. Two or more vectors are said to be parallel. If the angle between them is 0 degrees. Is a parallel vector. Let me ask, with the equal vectors. Sir, when two or more vectors have same magnitude and same direction, it is said to be lovely. Oh, mystery! What is the null vector or zero vector? Oh, mystery! Prisha Shetty? Okay. Bhargesh? Yes, sir. What is zero vector?
zero vector, a vector having zero magnitude is called zero vector or null vector. Anti-parallel vector में क्या करना? Diagram बनाओ. What is the angle between these two? Tell me. What is the angle between A bar and B bar? 180. So such are called anti-parallel vector. If the angle between them zero vector equal, but angle between them 180 degrees, so anti-parallel. All right. Parallel vectors, agar angle between them is zero, and anti-parallel if the angle between them is 180 degrees. So write down. Two vectors are said to be anti-parallel. Please draw this diagram. And length need not be equal. Length can be bada chota bhi ho sakta hai. Two vectors are said to be anti-parallel if the angle between them kitna bolo kya likho. Angle between them is 180 degrees. The number 6. 6 mein likho. Two linear vectors. Collinear vectors. Ye sab hai na? Anybody can tell me from the diagram what must be collinear vector? Yes, sir, collinear vector. What is the property you find between these five? Who can say? Yeah, actually, I have explained. Some vector having no same direction, no same magnitude. No, कोई ऊपर भी है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. B फिर ये F और ये G ये सब साथ में ऐड कर दो. ये सब these are collinear vector. अब क्या होगा बताओ सर? Alternate vectors. हाँ सर, alternate vectors which are anti-parallel to each other. No, E bar are not alternate, they are all the same direction. ये क्या alternate थोड़ी है? वो तो मैंने by mistake बना दिया ऐसा. There is nothing of alternate, इसलिए मैंने purpose ये F G साथ में ऐड किया. Vector having अच्छा एक बात बोलो, कैन यू सी एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर इज आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्रीज, और कुछ है इसके अलावा? 90 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री है क्या? खाली इतना बोलो, आइदर एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर इज 0 डिग्री और कितना? 180. हाँ तो अभी बताओ क्या है? देन सच वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर. अब बताओ क्या आएगा, वर्डिंग्स क्या आएगा? सो द वेक्टर्स हैविंग उससे अच्छा आंसर, यू आर राइट हुसैन, हुसैन दागिना, यू आर वेरी राइट. उससे अच्छा आंसर, इफ द टू वेक्टर्स आर टू और मोर वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, खत्म. ये मेरे ख्याल से 5-6 और ये 7 है. इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, देन दे आर कॉल्ड व्हाट? कोलिनियर वेक्टर. राइट डाउन. If the vectors are parallel or anti-parallel, if the vector, देखो ये क्या है, A bar, C bar, E bar, F bar, G bar are parallel, but A bar, B bar are anti-parallel. You can write down, if the vectors are parallel or anti-parallel. Then these are called collinear vector. फिर लिखो co-initial vector.
co-initial vectors. What do you find common in these three vectors? Direction. No, the vectors drawn from the same initial point. Vectors drawn from the same initial point are called co-initial vectors. मतलब उनका starting जगह सबका same जगह से हो रहा है. वैसे लिख डालो. ये diagram बनाओ और लिख डालो. You can write. The vectors drawn from the same initial point. The vectors drawn from the same initial point are called co-initial vectors. Are called co-initial vectors. Are called co-initial vectors. और फिर लास्ट में लिखो कोप्लेनर वेक्टर. ये तो नाम से ही मालूम पड़ जाओगा क्या है कोप्लेनर. क्या है कोप्लेनर बोलो. A bar, B bar, C bar, D bar, E bar. बोलो क्या है कोप्लेनर. एनीबडी. एक प्लेन है इसके अंदर ये सब वेक्टर बैठे हैं. एनीबडी हु कैन से कोप्लेनर क्या होता होगा. बोलो क्या. वेक्टर्स इन द सेम प्लेन. Yeah, that's right. इसमें एक specific line लिखना. Three or more vectors lying in the same plane. Three or अब आप बोलेंगे सर three क्यों लिया आपने. सर क्या बात करते हैं आप. Three or more vectors lying in the same plane are called coplanar vectors. देखो मैं बताता हूँ. ये दो है ना. ये कोई भी दो तो प्लेन बन ही जाता है. दो के कारण प्लेन बन जाता है. ऑलवेज टू वेक्टर्स आर इन द सेम प्लेन ओनली. बट ये तीसरा भी आके अगर उस जगह पे बैठता है उस प्लेन में तब जाके इनको. क्योंकि तीसरा अगर यहाँ पे है अलग साइड पे है तो तीसरा को प्लेनर नहीं होगा. सेम प्लेन में तभी होगा जब तीन कम से कम तीन एक प्लेन में. दो तो हमेशा प्लेन दो के कारण तो प्लेन बन ही जाता है कोई भी दो के कारण. इसलिए थ्री और मोर वेक्टर्स lying in the same plane are called coplanar vectors. अब है ना इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है और वो है रिजल्टेंट वेक्टर. इसमें से मैं जरा पूछ लेता हूं एक बात को पूछ लेता हूं. What are parallel vectors? What are parallel vectors? अब मैं पूछना चाहूंगा इसको मास. What are parallel vectors? Anti-parallel नहीं parallel. Sir, two or more vectors are said to be parallel if the angles of them are zero. That's right. Very good answer. Anti-parallel Ushna. Yes, sir. What are anti-parallel vectors? When two vectors are said to be anti-parallel if the angle between them is 180 degree. That's lovely answer. Very good answer, Ushna. Very good start in our classes. Okay. Then let me ask Roshni. Roshni. Yes, sir. What is co-initial vector? Like they having same initial point are termed as co-initial vector. That is right. Lovely. अबे ना टाइटल लिखो resultant vector. Resultant vector. बहुत important है ये.
देखो अब मैं ना एक एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज एक थी बॉडी और उसके ऊपर बहुत सारे फोर्स एक्ट पड़े, टूट पड़े उसके ऊपर फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6। अल्टीमेटली बॉडी को क्या कर रहे हैं मालूम है, खींच खींच के इधर ले जा रहे हैं दिस एंगल। और सपोज बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फोर्स इज अ वेक्टर, ध्यान रखना। तो देयर आर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेक्टर्स आर बीइंग अप्लाइड एंड दे आर प्रोड्यूसिंग सम इफेक्ट ऑन अ बॉडी, दे आर प्रोड्यूसिंग सम इफेक्ट ऑन अ बॉडी, सम सेम नहीं सम इफेक्ट ऑन अ बॉडी। इतनी लाइन जरा बोल आलोक गुप्ता, आलोक गुप्ता, 6 वेक्टर्स हैव बीन अप्लाइड एंड दे आर प्रोड्यूसिंग सम इफेक्ट ऑन अ बॉडी, इतना बोलो आलोक गुप्ता। Yes, sir. बोल ये लाइन बोल जरा। So can you please repeat, sir? अरे यार कितना रिपीट, 6 वेक्टर्स आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड दे आर प्रोड्यूसिंग सम इफेक्ट। 6 वेक्टर्स दे आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड दे प्रोड्यूस सम इफेक्ट, सम इफेक्ट ऑफ वेक्टर्स। हाँ अब है ना, सपोज मैं 6 को हटा के सिर्फ एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, एक फोर्स ऑफ द सेम टाइप, ये मतलब फोर्स है तो ये भी फोर्स, ये अगर वेलोसिटी होता तो ये वेलोसिटी, ये अगर एक्सेलरेशन होता तो ये एक्सेलरेशन, लाइक दैट। और इट प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट, इट प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट। मैं बोला भाई तुम 6 लोग क्यों आ रहे हो, ये अकेला भेज दिया और उसने यही 5 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री डाल दिया, देन दिस सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर, इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो सिंगल वेक्टर, ऑल राइट, हूज इफेक्ट, a single vector whose effect is same as, whose effect is same as the combined effect of two or more vectors of the same type, same type yani agar force the ev force, then that single vector is called a resultant vector. Ek bar fir se, a single vector whose effect is same as the combined effect of two or more vectors of the same type is called resultant vector. आइडिया क्लियर हुई क्या, खाली मुझे बताओ वर्ड इधर उधर होंगे चलेगा, बहुत सारे वेक्टर कुछ इफेक्ट कर रहे हैं बॉडी पे, एक सिंगल वेक्टर वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो उस सिंगल वेक्टर को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन सिंगल वेक्टर ऑफ द सेम टाइप, वो वेक्टर भी सेम टाइप के होने चाहिए, एक फोर्स एक वेलोसिटी एक एक्सेलरेशन, ऐसा वेक्टर नहीं हो सकता है, आइदर ऑल आर वेलोसिटी ऑल आर फोर्स ऑल आर एक्सेलरेशन। तो कुछ वेक्टर मिलके कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी बॉडी पे, अगर वो एक सिंगल वेक्टर जाके सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उस सिंगल वेक्टर को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसको, रिजल्टेंट वेक्टर। दैट्स राइट, दैट्स राइट। तो आपके अंदर वो डायग्राम मत बनाओ, सीधा लाइन लिख डालो, ऐसा लिखो, अ सिंगल वेक्टर हुज इफेक्ट इज द सेम एज, हुज इफेक्ट इज द सेम एज, सेम एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, same as the combined effect of